और सुबह सुबह आपको मैं बता दूंगा इम्यूनिटी कैसे बैलेंस करते हैं। इम्यूनिटी बैलेंस करना बहुत सिंपल हो जाता है। देखो, आप अपने पर्स के अंदर कभी कचरा नहीं डालते, आप अपने घर के अंदर कभी कचरा नहीं डालते। अगर किचन में भी थोड़ा बहुत कचरा डाल दिया तो नेक्स्ट डे उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। जब आप ये सब नहीं करते, क्यों अपने पेट के अंदर कचरा डाल रहे हो भैया? किसी ने आपको फोर्स किया है? दो जगह पे कचरा नहीं डालना चाहिए, अपने पेट के अंदर और अपने दिमाग के अंदर। ये जगह पे दोनों में कचरा डाल दिया तो देर इज ए कनेक्शन, उसको बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। दोबारा बता दूंगा, ध्यान से सुन लेना, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको मतलब सोच, न्यूरो मतलब ब्रेन के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, और इम्यून सिस्टम जो रीढ़ का हड्डी में है, जो अपना बोन मैरो में है, जो अपना थाइमस में है, और हर सेल में, सेल के पास इन्फिल्ट्रेटेड होता है WBC। ये सब के साथ एक कनेक्शन होता है, इसको बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। जब आपका सोच गंदा हो जाता है भैया, नेगेटिव हो जाता है, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ नर्वस सिस्टम, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी से। तो ये डिटेल में बता दूंगा कि ये क्या चीज है। भैया सिंपल है यार, जो चिंता होता है चिंता से चिदा हो जाता है आपका, इसलिए चिंतन करो। इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव थॉट्स बाय पॉजिटिव। मिनिमम रेशियो कितना चाहिए? अगर एक नेगेटिव है तो तीन पॉजिटिव होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? कि 11 पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। 11 से ऊपर मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गया, तो आपको बोलता है कि अनरियलिस्टिकली पॉजिटिविटी, इसको बोलते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी के मतलब बंदा कि नेगेटिविटी इतना खत्म हो गया कि उसको खतरा भी नहीं दिखते। तो बंदा इतना नेगेटिव हो गया उसको नॉर्मल चीजें भी खतरा दिखता है, वो होता है बिल्कुल नेगेटिव बंदा। और टॉक्सिक पॉजिटिविटी वही होता है कि जिनको इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कुछ लोग बोलता है कि मेरे को कोरोना होएगा, भगवान बचाएंगे। यार भाई, अल्लाह बचाएंगे, भगवान बचाए, भगवान थोड़ी ना, भगवान को और कोई काम नहीं है, तुम्हारे को बचाना ही है। मेरे खुद को बचाओ, क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हैं? बेचारे उधर रेस्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने महल में। ये तो सारे मेटीरियलिस्टिक ब्रह्मांडों के बाहर वो एंजॉय कर रहे हैं, अपना रासलीला कर रहे हैं, क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हैं? उनको तुम्हारे को बचाने के लिए को तुम्हारा औकात देखो, मेरा औकात देखो, हमने क्या किया भगवान के लिए कि वो आके हमें बचाए, समझ रहे हो ना? ये ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो टॉप मोस्ट थिंग बताऊंगा आपको, सिंपल थिंग बताऊंगा, इतना सरल चीजें बताऊंगा। ये सिंपल है पर आसान नहीं है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि तीसरे बंदे के बारे में जो अपना परिवार से नहीं है, तो आप भी नहीं है, इसको बोलते थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है जो आपका परिवार का अभी तक आपको पता नहीं, कि आपको परिवार का नहीं है और अपना भी नहीं है? वो होता है भगवान। उनको अपना लो, तो उसको सेंटर पॉइंट बना दो। इतना हेवी हो जाता है, इतना बैलेंसिंग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है भगवान जी, कि आपको उनका सहारा मिल जाता है कि आप भी खुद स्ट्रांग हो जाता है। जैसे आप चार गुंडा आ रहे, चार गुंडा आएंगे तो क्या करेंगे आप? तो भाग जाएंगे। जब आपके पीछे सबसे स्ट्रांग बंदा खड़ा है तो गुंडों को बोलेंगे, भाई आ जा गुंडे, तेरे को निपटा दूंगा अभी। वो होता है थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी को आप अपना रिश्तेदार बनाएंगे, सबसे स्ट्रांगेस्ट बनता, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वही पॉजिटिव। उनके बारे में सोचो, उनके बारे में विचार करो, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में सुनो। तो जो सत्संग होता है, अच्छा बारे में सुनो, यूट्यूब में अच्छा अच्छा कहानियां सुनो, अच्छा अच्छा तरीका ढूंढो कि कैसे दुनिया का सेवा करें। अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए नहीं, बाहर का लोगों के लिए सेवा करने के बारे में सोचो, क्योंकि उनको भी, उनके दिल में भी भगवान जी बैठा है। ये होता है माइंड को सेट करना, ठीक है, बाय चेंजिंग योर कॉन्शियसनेस थॉट्स इनटू गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्ण का सेवा करने के बारे में सोचो। तो ये सिंपल फंडा है। अब दूसरा है बॉडी में कचरा नहीं डालना। भाई अगला वीडियो में बताऊंगा सब कुछ, आज बताएंगे तो मजा कैसे आएंगे। तो मेरा वीडियो शेयर कर लेना भाई, प्लीज। सब जगह कचरा डालते हो, प्लीज अपना मन में ना डालो। जो मन में कचरा नहीं डालते, ऑब्वियसली मन साफ रखेंगे तो आप सोचेंगे बाकी भी साफ रखे। मेरे वीडियोस को शेयर करो, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करो। मेरे को उससे कुछ नहीं मिलना, पर कम से कम जो सुनता है उनको तो कुछ ही मिले, ठीक है। कोरोना को निपटाना बहुत आसान है, अपने इम्यूनिटी को बैलेंस करो। इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए खुद को बैलेंस करना जरूरी। खुद को बैलेंस करने के लिए आपको पॉजिटिविटी होना चाहिए। पॉजिटिविटी इतना भी ज्यादा होना चाहिए, इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल गलत को भी पॉजिटिव समझे। ओके, तो टेक केयर, हैव ए गुड डे। मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, हैव ए गुड डे। अगला वीडियो होगा अपने बॉडी में कैसे कचरा नहीं डालना, वो भी तो देखना है। तो पहले ये शेयर करो, अगले 2 दिन में वो भी बना के डाल दूंगा। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।